जल्द पहुंच, हाय फैमिली, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपको अपने माँ बाईसी का मंदिर का प्रांगण का दिखा रहा हूँ वीडियो, जो काली पूजा की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं एक भव्य पंडाल का निर्माण शुरू हो गया है और ये भव्य पंडाल बनेगा, चूँकि यहाँ की पूजा बहुत विशेष होती है इसलिए इसकी शुरुआत कर दी गई है। आप देख सकते हैं मैंने ये पंडाल का वीडियो डाला है। ये पंडाल का वीडियो मैंने काफ़ी दिनों बाद डाला है, वीडियो ही मैंने काफ़ी दिनों बाद इसको अपलोड किया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, घर में सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी और बाढ़ का जो पानी है वो भी डाउन नहीं है, बाढ़ का पानी वो फिर से खड़ा हो गया है। लेकिन देन ऑल्सो भगवान का माँ बाईसी का पूजा है तो इसको करना ही है, माँ काली का। मैं आपको इसमें अपना भी छवि दिखाऊंगा जिसको आप देख सकते हैं। ये आज का नहीं है, ये बहुत दिनों से, इसका बैक हिस्ट्री में मैं जाकर आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये बैक हिस्ट्री में क्या इसके बारे में बोला गया है। बहुत बड़ा इतिहास है इस मंदिर का और बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, और ये जो मंदिर भी बन रही है बहुत इसकी कुछ ना कुछ विशेष, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट टाइप से ये लोग करते हैं। मैं थोड़ा सा करीब से जाकर बांस वगैरह के बारे में दिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ वीडियो थोड़ा देर आपको वहाँ ले जाकर करीब से दिखाता हूँ। तो आप देखिए मैं बहुत करीब से लाकर दिखा रहा हूँ, मैं नीचे उतर गया था, मैं रोड से उस समय बना रहा था, अब मैं बहुत करीब से आकर बना रहा हूँ। और देखिए ये मंदिर यहाँ बगल में, और यहाँ से देखिए शुरुआत की है, और ये कॉन्स्टेंट तकरीबन 10-12 साल से तो ये भव्य पंडा पूजा का आयोजन शुरू कर दिया गया है। इसके पहले इतनी बड़ी ये में रूप में नहीं होता था, लेकिन अभी 10-12 सालों से बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए पंडाल का जो का स्ट्रक्चर अभी जो स्टैंड करा रहे हैं लोग, ये बहुत मजबूत और बहुत अच्छा शानदार, मेरे ख्याल से कारीगर भी यहाँ के लोकल नहीं है, ये सारे कारीगर जो है ना ये आउटसाइडर है। मैं भी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना जा रही हो, थोड़ा फ़ोन का भी इशू है और लाइट का भी इशू है, लेकिन ये चेंजिंग है। एक भाई साहब है यहाँ, ये उनके बारे में आपको दिखाऊँ, देखिए सारे लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से पूछ कर आपको बताऊंगा कि ये लोग एक्चुअली काम कहाँ से कर रहे हैं। देखिए एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक बाबू है जो पकड़ा हुआ है कपड़ा, देखिए एक भाई नीचे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भाई कहाँ से, यहाँ फरक्का से आए? देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो 10 सालों के बाद जो हमारे यहाँ शुरुआत हुई ना, ये बहुत भव्य पूजा का आयोजन कर रहा है लोग, और ये लोग फरक्का से आए हैं, ये पंडाल के लिए है। हाँ, पंडाल के लिए कुछ मैंने इसका बता सकते हैं क्या आप इसमें स्ट्रक्चर डाल रहे हैं? ये आपका दिल्ली का जो लाल किला है ना, हाँ लाल किला बनता है। माई गुडनेस, आप दिल्ली का लाल किला के बारे में ये लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका नाम? बाबूदास। बाबूदास, इनका नाम बाबूदास है, दुलाल दास। इन्हीं की टीम है और ये लोग सारे लोग मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिबगंज का चौधरी टेंट हाउस, वो भी मेरे गांव का ही, मेरे घर से कुछ दूर पर है, और वो बच्चा बहुत छोटा था लेकिन आज देखिए समय के साथ कितना डेवलप कर गया। ये उन्हीं लोग का कारीगर है, उन्हीं लोग के थ्रू ही इनको बुलाया गया है, और ये लोग लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है उसके बारे में ये इन लोगों इस बार मूर्ति में आयोजन रखा गया। आप देख सकते हैं मंदिर भी इधर बगल में दिख रहा है आपको, और ये पंडाल, और इसकी ब्यूटी भी देखिए यहाँ, इसकी दूसरी ब्यूटी है कि बगल में तालाब भी है। हाँ, ये बगल में तालाब है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ, ये प्राइवेट तालाब है, किसी गवर्नमेंट के नहीं, ये प्राइवेट तालाब है और बहुत सारी मछलियाँ हैं। ओके, मैं फिर मिलूंगा आपसे, फिर से मैं बात करूंगा इसके बारे में, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होते जाएगा मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसे लाइक करना ही है, अच्छा लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, एक बार माँ का दर्शन करा दें आपको और फिर मैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए शाम का टाइम, सारे लोग अभी बहुत लोग पूजा पाठ के लिए आए हुए हैं, शाम का टाइम है। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, आई होप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ आप अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मेरे इंक्लूड करेंगे, और मैं अभी ड्यूटी से ही आ रहा हूँ, और ड्यूटी से आने के बाद ही मैंने इसको
अपलोड किया है। सो मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और मुझे अधिक से अधिक अपना स्नेह देंगे। ओके, हैप्पी ऑल ऑफ यू जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे प्लीज़ आप जुड़े रहेंगे। और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालूँगा जिसके ऊपर मेरे प्रिंसिपल सर ने मेरे बारे में कुछ बताया, कुछ सजेशन दिया है, मैं उसको फॉलो करूँगा। थैंक यू सर फॉर योर सजेशन, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।